बिहार में एम्बुलेंस सेवा बेहतर बनाने के लिए सरकार प्रखंडों में एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के लिए अनुदान दे रही है। रोहतास जिला के अधिकांश प्रखंडों में सहायता राशि लेकर एम्बुलेंस भी उपलब्ध करा दिया गया है, फिर भी मरीजों को ठेला के माध्यम से अस्पताल पहुंचाना मजबूरी बन गई है। वहीं उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने 60 दिनों के भीतर स्वास्थ्य व्यवस्था के कायाकल्प का दावा किया है, लेकिन रोहतास के अक्सर ऐसी खबरें सामने आती हैं जिसमें स्वास्थ्य सिस्टम का मजाक बन जाता है। रोहतास जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करगरा में टीबी के मरीज को गंभीर स्थिति होने के कारण अस्पताल में एक ठेले पर लोड कर लाया गया। परिजन ठेला लेकर जब अस्पताल पहुंचे तो वहां भी अस्पताल परिसर में ले जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं मिला। मरीज की हालत इतनी खराब थी कि परिजन ठेला को सीधा अस्पताल में लेकर घुस गए। कैसा मरीज अभी ठेला पर आप लोग लाए हैं? अभी इन्फेक्शन का है ना, इनमें टीबी के निकला हुआ है, तो अभी बेचैनी है इनका। कहाँ से लाया है इनको? डिबिया से। क्या नाम है इनका? जोखन पासवान। जोखन पासवान नाम। तो ठेला पर आप लोग लाए, एम्बुलेंस नहीं मिला क्या? एम्बुलेंस का भी है, कभी नहीं है, अभी हमारा जरूरी है तो एम्बुलेंस के देखते देखते हम पहुँच जाएंगे। क्या नाम पड़े आपके? दिनेश पासवान। आप इनके कौन है? साला है। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में रामनवमी जुलूस पर पथराव के बाद भड़की हिंसा के बाद शांति समिति की बैठक का दौरा जारी है। इस दौरान वार्ड पार्षद ने बिहार शरीफ शहर में बच्चों की भविष्य को देखते हुए स्कूल खोलने की मांग की। इतना ही नहीं, शहर के सभी दुकान को शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई ताकि लोग शाम तक खरीदारी करने में आसानी हो सके। डीएम शशांक शुभांकर ने कहा कि शहर में अमन चैन शांति के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, जल्द ही बंद स्कूल को खोलने पर फैसला लिया जाएगा। इस तरह का बना लिया है, वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलिंग करने के। शांति समिति के लोग थे सभी 51 वार्ड के, और सभी लोग लगातार लगे हुए हैं। लोगों ने अपना सुझाव दिया, बताया कि स्थिति सामान्य है और स्कूल और मार्केट खोलने का भी रिक्वेस्ट आया है, तो लोग सब पे विचार कर रहे हैं और लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से लोग डटे हुए डटे रहें, शांति बनाए रहें। हम पहले भी इस संदर्भ में वीडियो रिलीज दे चुके हैं और मीडिया रिलीज भी दिया जा चुका है कि किसी भी व्यक्ति की मिसिंग कंप्लेंट हमारे पास नहीं, ये पूरी तरह से अफवाह है। घटना को अब 8-9 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई व्यक्ति हमारे पास नहीं आया जिसने कहा हो कि उसका कोई सगा संबंधी मिसिंग है। ये पूरी तरह से अफवाह, इसमें यकीन न करें। यदि कोई व्यक्ति आता है तो हम उसमें लीगल एक्शन लेंगे। नालंदा जिले के लहेरी थाना क्षेत्र के पटेल नगर में चोरों ने एक घर में ताला तोड़कर 25,000 नगद समेत करीब 2,00,000 के आभूषणों की चोरी कर ली। गृहस्वामी आर्मी जवान अशोक कुमार बाहर गए हुए थे, तभी चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी कर लिया। इधर घटना के बाद परिजनों द्वारा स्थानीय थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। फिलहाल चोरों की पहचान नहीं की जा सकी है, पुलिस मामला दर्ज करते जांच कर रही है।